खबर संत कबीरनगर जनपद के पंचायत बखेड़ा मेहदावल से है, जहां भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रत्येक नगर पंचायत से बीजेपी उम्मीदवार का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। इसी की कड़ी में बखेड़ा एवं मेहदावल नगर पंचायत में चुनावी कार्यालय उद्घाटन समारोह के अवसर पर सांसद, विधायक और जिले भर के पदाधिकारी बीजेपी से उम्मीदवार डॉक्टर हरिओम बक्सी और मेहदावल से अंजना पांडे के समर्थन में बल देने के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। प्रत्याशियों के समर्थन में सांसद प्रवीण निषाद ने कहा, आप चार चरण की परीक्षा पास कर चुके हैं, अंतिम चरण यानी 11 मई का परीक्षा आपको पास करना है, जो जनता पास करवाएगी और भारी मतों से विजय बनाकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। वहीं विधायक अनिल त्रिपाठी ने नगर पंचायत मेहदावल में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोग बीजेपी का चादर ओढ़कर इसी मंच और इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। 2022 के चुनाव में मैं सपा बसपा कांग्रेस से नहीं अपने ही लोगों से लड़ रहा था, इसका दंश मैं झेल रहा हूं। अगर ऐसे लोग बीजेपी का मुखौटा लगाए हुए घूमते नजर आए तो इनसे जरूर सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान नगर पंचायत बखेड़ा में पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल, वर्तमान विधायक अनिल त्रिपाठी, सांसद प्रवीण निषाद, जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव, विजय जायसवाल, मनीराम यादव, राजेश गुप्ता और बड़ी संख्या में जनता के लोग मौजूद थे। संत कबीरनगर जनपद से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। का सम्मान चाहता हूं, उनकी बुलंदी चाहता हूं और इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अंजना पांडे को भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी है उसको कमल निशान पे मोहर लगा करके आप विजयी बना करके भेजिए और फिर देखिए कि समर्थन रहा तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। मैंने नगर पंचायत चुनाव में भ्रमण के दौरान देखा है यहाँ की सड़कें, नालियाँ, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी शिक्षा का बहुत ही अभाव मुझे दिखा। मैं जब अभी 4-5 दिन हुआ है मुझे भ्रमण करते हुए, मैंने कुछ ऐसे चीज़ें देखी हैं जो मामूली चीज़ें हैं जो कि हर अच्छे जगहों पे उपलब्ध होनी चाहिए। एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी शिक्षा तो हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन ये उसका मुझे बहुत ही अभाव मिला है। हर गांव में मैंने देखा कि अभी कम उम्र में एक पैरालाइज एक जो बीमारी होती है वो हर आदमी हर दो घर के बाद ही मुझे मिला है। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। आसानी से फिजियोथेरेपिस्ट अगर हमारे यहाँ अवेलेबल है तो इस बीमारी को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। और सड़कों की भी वही व्यवस्था है। सड़कें तो कितने गांव में मैं गई, जैसे कुछ अभी जो नए जोड़े गए हैं गांव में, वहां तो बिल्कुल सड़क, आवास, इन सब का बहुत ही अभाव मिला मुझे। अगर आपका समर्थन मिलता है, आपका सहयोग मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है तो मैं कहीं से भी आपको निराश नहीं होने दूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस नगर पंचायत को मैं नगर पालिका का दर्जा दिलवाऊँ। आपसे चीज़ और भी मैं बताऊँ, मैं स्कूल चलाती हूँ तो मेरे स्कूल में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद उनको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा मर जाती है। मैं अपने सांसद जी से, अपने विधायक जी से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर मैं आती हूँ इसमें तो मतलब इसमें कैसे हम स्टेडियम खोल सकते हैं, कैसे अच्छे यहाँ पे पुस्तकालय खोल सकते हैं, कैसे अच्छे पार्क का निर्माण हो सकता है, इसमें आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए होगा। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे मोदी जी अभी, तो सबसे पहले हमें सफाई करनी होगी इस गंदगी की, जो गंदगी हमारे बीच में है, जो हमें हराने के लिए साजिश करती है। मैं भी इस दंश को झेल चुका हूं, मैंने भी इस दंश को झेला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मैं सपा बसपा से नहीं लड़ रहा था, मुझे भी अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा था। मुझे हराने के लोग लिए वो लोग भी लगे हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के चल रहे थे। लेकिन मैं आज आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर दिखाई दें, टोपी लगाए भाजपा का और भाजपा को हराने की बात करने वाले, तो इन लोगों का नकाब जरूर उतार दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा, मैं पहुंच